नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना, सीधे अयोध्या के सरयू घाट से। आप देख रहे हैं आज तक की ये लाइव कवरेज। आंदोलन में लगने वाला जय श्री राम का नारा आज भूमि पूजन के दौरान जय सियाराम हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूमि पूजन के उपरांत जय सियाराम का उद्घोष किया और इसी के साथ पूरी हुई अयोध्या की बरसों की साधना, वर्षों का इंतजार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ये राम की शक्ति ही है कि इमारतें टूट जाती हैं लेकिन राम का नाम बरकरार रहता है। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की जय। सियाराम, जय सियाराम। मेरे साथ एक बार फिर बोलिए, जय सियाराम, जय सियाराम। सियापति रामचंद्र की, सियापति रामचंद्र की, सियापति रामचंद्र की। आमतौर पर लोग प्रभु राम को अपने घर लेकर आते हैं, लेकिन ये पहला मौका था जब प्रभु राम ने लोगों को अपने घर बुलाया था, क्योंकि प्रभु राम के घर का भूमि पूजन था जिसमें योग गुरु बाबा रामदेव भी मौजूद थे। और जब भूमि पूजन संपन्न हुआ, बाहर निकले तो हमारे सहयोगी अशोक सिंगल ने योग गुरु बाबा रामदेव से बात की। कैसे याद करते हैं इस पल को, कैसे याद रहेगा ये पल? प्रथम तो इस आज के सौभाग्य को देखने के लिए जो लाखों लोगों ने शहादत दी, कुर्बानियां दी, संघर्ष किए, साधनाएं की, यातनाएं सही, उन सबको कृतज्ञता पूर्वक प्रणाम करता हूं। और आज एक राष्ट्रभक्त, एक राम भक्त, ऐसा प्रधानमंत्री जो पहली बार रामगढ़ी में गया, हनुमानगढ़ी में गया और भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम करता है, संतों के चरणों में प्रणाम करता है और भारतीय संस्कृति के जो प्रतिमान हैं उनको जीता है, और जो सबके राम हैं और सब में जो राम है उस सत्य को मानता हुआ भारत की सांस्कृतिक विरासत को लेकर के और आधुनिकता के जितने भी भौतिक प्रगति के सोपान उनको चढ़ता हुआ एक आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो संकल्प मोदी जी ने व्यक्त किया, यह हमारे लिए एक बहुत गौरव का क्षण है कि हम एक नया भारत का इतिहास गढ़ रहे हैं। और मोदी जी ने राम राज्य की बात भी की, योगी ने भी की, मोदी जी ने भी। और वो राम राज्य आएगा हम सब के सामूहिक पुरुषार्थ से, और उसके लिए हमें राम जैसा तप और संघर्ष करना पड़ेगा। साष्टांग किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, पहले पार्लियामेंट जब पहुंचे थे पहला दिन था, वो जीत के आए थे चुनाव, और आज मंदिर निर्माण के मौके पर, मंदिर निर्माण के मौके पर उनका साष्टांग करना ये दर्शाता है कि राम प्रथम पूज्य है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, वो भी बोला मोदी जी ने, राष्ट्र भी हमारा प्रथम पूज्य, वो भी हमारी भारत माता, माता भूमि पुत्र हम पृथ्वी, वो भी हमारी पूज्य है। लेकिन इसके साथ साथ जो है जिस राम से राष्ट्र है वो प्रथम पूज्य है हमारे, और संत भी पूज्य है हमारे, और उन्हीं संतों के आशीर्वाद से ये सरकार बनी है, ये सरकार चल रही है और आगे बढ़ेगी, और ये भारत भी परम वैभवशाली आत्मनिर्भर बनेगा, और मुझे पूरा विश्वास है राम राज्य आएगा। लंबे समय के बाद ऐसा मौका था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत एक साथ किसी मंच पर दिखाई दिए, और ये मौका था भगवान राम के भव्य मंदिर के भूमि पूजन का। इस मौके पर संघ प्रमुख ने उन तमाम लोगों को याद किया जिन्होंने मंदिर आंदोलन के दौरान अपनी जान की कुर्बानियां दी। बहुत से लोगों में एक नाम ऐसा भी था जो 6 दिसंबर की घटना के वक्त वहां मौजूद था जब विवादित ढांचा गिरा दिया गया। साध्वी रितंबरा, जिन पर अब भी इस मामले में केस चल रहा है, वो भी भूमि पूजन का हिस्सा थी, और भूमि पूजन संपन्न होने के बाद अशोक सिंगल ने साध्वी रितंबरा से भी पूछा कि उन्हें आज इस ऐतिहासिक लम्हे का गवाह बनकर कैसा लगा। 2 साल में मंदिर बन जाएगा, रामलला ठाट के मंदिर में बैठेंगे, और पूरी मनुष्यता एकात्मता के सूत्र में बंधे, आदर्शों के चरमोत्कर्ष को पाए, सारा भारत मत
मजहब जाति वाति से ऊपर उठे, भारतीयों के नाते हम अपनी पहचान बनाएं, आत्मविश्वास में दृढ़ हों और आत्मनिर्भर बन जाएं। समृद्धि अंदर की भी चाहिए, बाहर की भी। अमीर वो अमीर क्या जिसका दिल फकीर ना हो, और फकीर वो फकीर क्या जिसका दिल अमीर ना हो। अमीरी फकीरी का संगम होना चाहिए, ऐसा बात। सर जी, एक लास्ट सवाल, आप कल काफी झूमी थे यहाँ आने से पहले वृंदावन में, मैं चाहूंगा कि आपके सब समर्थक यहाँ पे मौजूद है, ये झूम रहे थे, तो मैं चाहूंगा कि जो कल आप गुनगुना रही थी और तन्मय थी पूरी, वो एक बार करके दिखाइए हमारे पूरे देशवासियों। देखिए, मंजिल पे पैर हैं तो पैरों के छालों की जलन खत्म हो गई। अच्छा, राम राज्य की बात की गई, योगी आदित्यनाथ ने भी कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा, अब आप कैसा चाहते हैं कि राम राज्य के बारे में? भेदभाव मिटे, तमस हटे, दुर्भावनाएं नष्ट हों, सद्भावनाओं का उदय हो, हर घर में दीपक जले, भेदभाव जाति पाति की दीवारें टूटे, हम सब एक हो जाए। लेकिन AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी काफी दुखी हैं। उन्हें नरेंद्र मोदी का देश के प्रधानमंत्री होकर ऐसे राम मंदिर के भूमि पूजन में बैठना, पूजा पाठ करना पसंद नहीं आया। सुनिए क्या कह रहे हैं ओवैसी। मैं शुरू से इस बात को कह रहा था कि वजीर आजम को, प्रधानमंत्री को आज के इस भूमि पूजन के फंक्शन में शिरकत नहीं करना चाहिए था, नहीं अटेंड करना चाहिए था। और मैं हमेशा से कहता हूं, आज भी कह रहा हूं, इसलिए कि प्रधानमंत्री वजीर आजम किसी एक मखसूस या खास मजहब के वो प्रधानमंत्री नहीं है। जो नरेंद्र मोदी की सरकार है उसका कोई मजहब नहीं है। भारत इंडिया का कोई मजहब नहीं है।